पाकिस्तानी मुल्हिद के चैनल पर एक लड़की आई मुल्हिदा नाम की, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अब हम देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इन लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। उसकी ज़रा स्टोरी पे, उस लड़की की पर्सनल स्टोरी पे एक तरीके की बारीक से बाकी नज़र डालेंगे कि किस कितनी सच्चाई उसकी कहानी में, क्योंकि इन लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। सुनो सुनो शुरू से सुनता हूँ, शुरू से। इसमें कितने लोग हमें सुनते हैं, उनको कितना इसमें यू नो एक तरीके का इसमें इसमें फायदा रहता है। तो ये डॉक्टर साहब हनी शेयर करने लगे हमारे साथ, मैंने इनको कहा था कि आप आके जरूर अपने ख्यालात का इजहार करें अपनी कहानी में। तो चलिए आप बताएं अपने बारे में, आप खुद ही बता दें, मैं कमेंट ढूंढता हूं और हम कमेंट को हाईलाइट करेंगे। तो अभी बात नहीं किया था, बहुत सारा काम करके कम्युनिटी वर्क मल्टीपल डोमेन्स में किया और उसमें मेरा रिसर्च में काफी सारा पब्लिक पे किससे बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि और बहुत सारी चीजें बोल रहे थे ना, उनका मैक्सिमम होता है कि हरीश के नाम पे सब थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं स्टोरी। यहां पर सम टाइम यू रनिंग आउट ऑफ आर्गुमेंट, नॉट योर आर्गुमेंट होता नहीं है, वो इतना मेंटली सैचुरेट हो चुके होते हैं कि आपको अच्छा यार इस बात का क्या जवाब दूं। तो अगर हरीश मेरे पास आंसर जवाब है तो कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगी, पर्टिकुलरली जब ये बात करते हैं बॉडी प्रॉपर्टी पे और जब रिसर्च की बात करते हैं ऑर्डिनेंस रिसर्च का। तो मेरी स्टोरी ये है कि हम कंप्लीटली एवरेज पाकिस्तान का, जहां पे रिलीजन यू नो कन्वीनियंस के टिपिकल फैमिली से पैदा हुआ, टिपिकल एवरेज फैमिली से, फिर जब इसकी मां रिलीजियस बन जाती है, हमें तो समझ नहीं आया उन्होंने अचानक पहले जाकर शुरू किया बाबा जो बैठा के रखा है वहाँ पे, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रही है। और ये होंगी भी, अगर इस टाइप की सच में अगर कोई औरत होंगी भी, तो मेरे को लगता है वो उसने इस्लाम सिर्फ शादी के लिए छोड़ा था, और ये बताएंगे इस आदमी गैर मुसलमान है। तो उसके पहले तक यानी मुसलमान थी, ठीक है। लाल मस्जिद का वाक्य तो पिछले साल हुआ ना, तो एक साल कितने, छः महीने में। अरे झूठ बोल रही है, लंबी लंबी छोड़ो उसकी। छोड़ रही है पूरी चीज, जितने भी सभी ने पॉइंट, जितने भी इस्लाम के जितने भी मेन इवेंट है, फॉरेस्ट ग्रम पैम्स इस्लाम की जितने भी मेन चीज़ हो रही है, इसको इफेक्ट कर रही है। यानी सलमान तासीर का मर्डर इंडोज करी, जो कि शायद वो कितना 15-1 साल, यानी ये बच्ची होंगी इस समान, यानी अगर उसकी बात माना जाए तो ये 4-5 साल की होनी चाहिए था सलमान तासीर, क्योंकि हम छोटे थे, लेकिन ये बोली कि उन्होंने इंडोज करी थी। तो भागना बकवास, एक मिनट लंबी छोड़ा सुना। सलमान 10-15 साल पहले तो टीनेजर होनी चाहिए अगर, अभी तो बुरी थी कि बिल्कुल ही इसके टीनेजर तक यानी नॉर्मल थे इन लोग का भी। देखो इसे मेरे एक भाई की दूसरे भाई की बेगम को नहीं देखा, ऐसे इतने कट्टरपंथी तो होते नहीं है। और ये बुरी थी कि हम नॉर्मल घर से आती हैं, इन्हें ईरानियन की बोली, क्योंकि ईरानियन की बोली क्योंकि ईरानियन लोग इनके गैंग में सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा पृथक रूप से यानी मौके यानी वो कल समझ ज़्यादा इन लोग ईरानियन लोग समझ ज़्यादा पहले नंबर पे आते हैं एक मुसलमान बनने में। लो अभी गांधी साहब से भी मिले, अभी इन्होंने गांधी साहब को भी टारगेट कराया, दोनों कटाटा घुरा के ना, ये औरत इनकी मिली हुई, इनसे मिली हुई है। तो गांधी थोड़ा अपोलोजेटिक में सब इनकी यानी गली गड्डी है, थोड़ा लिबरल टाइप का है, तो उसने ये गांधी को भी फेंकेंगी। ये फादर इनसे इंटरेक्शन भी हुआ है, यानी वो अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी बात गलत, यानी हमको उसको नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसको फॉलो करने वाले लोग जो है ना, उनको टारगेट कर रही है इन लोग, ये लोग उसको टारगेट कर रहे जो जिसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लिबरल इस्लाम पता है। तो यानी उस इसलिए लोग उसके टारगेट, अभी इन्होंने बोली मैंने पर्सनल इंटरेक्शन किया। तो भैया इसके बैकग्राउंड में ये वो है कॉन्ट्रडिक्शन, बैकग्राउंड स्टोरी, बैकग्राउंड की जो स्टोरी बताई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी बोली कभी लिबरल थे, कभी गैर मुसलमान थे, कभी बहुत कट्टर थे। और सुनो आप यहाँ बकवास, फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी चले गई है, ठीक है। ये ऐसे लोग सवाल उठाते हैं होमोसेक्सुअलिटी का, होमोसेक्सुअलिटी आम पाकिस्तानी पलट के थूकता भी नहीं, ये कंसर्न है ही नहीं उन लोगों का। ये कंसर्न उन लोग का है जो बाहर देशों में रहते हैं, ये सब चीज़ें जो मसले जो बता रही है ना बाहर देशों के। और ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली कोई पाकिस्तानी लड़की हो सकती है कि मुसलमान होंगी, लेकिन उन्हें शादी के लिए कन्वर्ट छोड़िए रिलीजन। सुनो इसकी बात,
ये होनी चाहिए 20 साल की होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी अभी का इन्होंने ये एतराज इन्होंने इन्वेंट किया है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो इसकी बात सुनो, ये मोमिन हम मानते हैं, उसमें लिखा नहीं है कि उनकी नबी ने बोला कि मानो करके थे। ये इतने बोंगे सवाल इन लोगों के, औरत तो झूठ बोल रही है ना। इस पे आया तो नहीं है बकवास। क्या स्टडी लोग सेक्स के बारे में सोचते हैं? अभी बोलेंगे आदमी गैर मुसलमान है। क्रिटिकल सेंस सोच रहा हूं तो उसका भाई एथियस्ट था, यार जुड़ रही है। और ये जो जो ये जो वाक्य बताई थी इसने लाल मस्जिद वाला, ये 2021 में हुआ था। तो ये इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है कहानी में। इसको एक मिनट एक मिनट, ये स्लट शेम बॉडी शेम बुरी थी, मैं बुरका पहनती थी। अगर इसकी बात मान ली जाए ना, तो इन्हें कोई शादी के लिए कोई इस्लाम छोड़ी है। अभी तो बोल रहा था कि मेरी लिबरल फैमिली है, क्या बात है।